जीरो के डिबेकल के बाद किंग ऑफ रोमांस कहीं ना कहीं दोस्तों अब एक्टिंग से थोड़ा सा रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। एक रिसेंट इंटरव्यू के दौरान किंग ऑफ रोमांस ने इस बात को कहा है कि यस, मैं फिल्मों से अभी थोड़ा सा रिटायरमेंट ले रहा हूँ। 2-4 महीने तक अभी मैं कोई भी काम नहीं करना चाहता। मैं एक्टिंग तब करता हूँ जब मेरे दिल से आवाज़ आती है कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, और अभी मेरे दिल से एक्टिंग को लेकर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। अभी मैं अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को देना चाहता हूँ। जी हाँ, ये किंग खान के मुंह से सुनना अपने आप में एक अचरज भरी बात है, क्योंकि किंग खान वो हैं दोस्तों जो कि एक प्रोफेशनल गोल सेटअप करते हैं, चाहे वो सुबह के 3 बजे हों या दोपहर के 3 बजे हों। किंग खान काम 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 सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं। काफ़ी इंटरव्यूज़ में किंग खान ने अपने प्रोफेशनल वर्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाया था कि मैं दिन दिन भर तक बाहर रहता था और गौरी ही घर का मैनेज करती थी, बच्चे भी भूल जाते थे कि इनका पापा कौन है करके। सो ऐसे में दोस्तों किंग खान जब इस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ी बात तो ज़रूर होगी। मैं तो अपनी तरफ से यही चाहता हूँ दोस्तों कि किंग खान का जलवा फिर से बॉक्स ऑफिस पर शुरू हो जाए। और कोई बात नहीं यार, हर के जिंदगी में फेस आता है, लेकिन हाँ, आप लोगों का साथ रहेगा तो डेफिनेटली किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान सर का फिर से वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा। आपको क्या कहना है दोस्तों शाहरुख सर की इन बातों को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। बने रहो मेरे साथ क्योंकि मैं राहुल भोज इसी तरीके की बॉलीवुड से रिलेटेड दिलचस्प बातें लाऊंगा आप लोगों के लिए। सो कीप ऑन वॉचिंग।